जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिला मुख्यालय पौड़ी में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध में सत्याग्रह किया गया। सत्याग्रह के माध्यम से कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। पूर्व सैनिक व कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव जय सिंह नेगी ने कहा कि अग्निपथ में शामिल होने वाले युवाओं को पूर्व सैनिकों का दर्जा नहीं मिलेगा। ऐसे में 4 साल बाद जब जवान वापस आएगा तो उसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं होगा। वहीं पूर्व सैनिक परमेंद्र सिंह पिष्ट ने कहा कि बीते कोरोना काल में 2 लाख भर्तियां निकलनी थीं, उन पर भी केंद्र सरकार द्वारा रोक लगाई गई, जो युवाओं के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि अगर इस योजना को केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होगी। पौड़ी से मुकेश बछेटी की रिपोर्ट। हमें इतना अनुभव है कि हम जब 9 महीने की ट्रेनिंग करके गए थे तो 4 साल तक तो हमें अपनी यूनिट के बारे में पता ही नहीं हो पाया था कि कौन सा जवान का नाम क्या है, उसका रैंक क्या है, तो नहीं हो पाता। ये अग्निपथ जो है नहीं चल पाएगा। ये सिर्फ एक बजट कम होने के नाते, जो हिंदुस्तान के अंदर जो बजट कम है इसके नाते ये इसको किया जा रहा है। सर झूठ है, और ये अपने जो RSS को मजबूत करना चाह रहे हैं। और दूसरा ये है कि जब हम भी भर्ती हुए थे तो 5 साल तक तो हमें खुद ही पता नहीं था कि हम आर्मी के अंदर हैं कि सिविल के अंदर हैं। तो ये जो अब ये 4 साल का कर रहे हैं, तो जवान ये बॉर्डर में दोस्त कितने साल बॉर्डर में रहेगा, कितने साल ये पीस में रहेगा।